ये हम आपको बता रहे थे क्या व्यंजन ना, ये हमने इसके संबंध में आपको चर्चा कर रहे थे कि व्यंजन व्यंजन क्या है ना, व्यंजन क्या है। तो व्यंजन के हमने संबंध में बोला कि व्यंजन का जो उच्चारण होता है, व्यंजन का उच्चारण जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। कहने का आशय ये है जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं, स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। कन्फर्म हुआ? जैसे हमने कहा, देखिए जैसे हमने लिख दिया तो हमारा व्यंजन है ना, व्यंजन है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यह किन की मेल किसका हुआ है, या मेल हुआ है आधा क और धन अ, देखें नहीं, हम क का उच्चारण करते हैं तो क कहते हैं, इसके साथ हमारा आधा क भी जुड़ा है और हमारा क्या जुड़ा है, अभी जुड़ा हुआ है। तो हम इसके संबंध में बताया कि जो व्यंजन होता है, जो व्यंजन होता है, व्यंजन हमेशा उच्चारित कैसे होते हैं, स्वरों की सहायता से, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। कन्फर्म हो गया? देखिये यही हमारा व्यंजन है, और व्यंजन जब भी उच्चारित होता है वह हमेशा देखिए सहायता किसकी लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कहने का आशय यह होता है कि अगर इसको सीधा सीधा परिभाषा दें, परिभाषा देंगे कि ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हो, स्वरों की सहायता से उच्चारित होती हो, स्वरों की सहायता से अगर बोला जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। मतलब स्पष्ट हुआ? जैसे हम लिख रहे हैं मैं, अगर हम लिख रहे हैं ये मेरा क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है। अब देखिए वृक्ष को हम तोड़ेंगे, ये होगा आधा म और ये धन क्या है, क्यों, क्योंकि अब इसको व्यंजन स्वर इसको इसमें अलग कर दिया गया है। तो व्यंजन के उच्चारण जो होता है हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कन्फर्म हुआ? इस प्रकार से हमने आपको परिभाषा लिखवाया था कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। कन्फर्म हुआ? आगे देखिए, हमने आपको बताया व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार हमने आपको बताया। तो इसमें हमने आपको बताया एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन, क्या होता है, स्पर्श व्यंजन, और जो दूसरा है इसे क्या कहा जाता है आपका, अंतस्थ व्यंजन। जो तीसरा है आपका इसे क्या कहा जाता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। कल्पना हुआ? पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा है उस, तीसरा आपका क्या है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। कल्पना हुआ? देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन के संबंध में समझिए। तो स्पर्श व्यंजन होता है इसका उच्चारण करते समय जीवा का कहीं न कहीं कंठ ताल दंत मुर्दा और कहीं न कहीं से स्पर्श होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कन्फर्म हुआ? स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है, इनकी संख्या कितना भैया, 25, 25 जो होते हैं वे स्पर्श व्यंजन होते हैं। कन्फर्म हुआ? इसके साथ ही साथ जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितना है, 4 है, और साथ ही साथ ऊष्म और जो संघर्षी व्यंजन है इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कन्फर्म हुआ? तो अंतस्थ व्यंजन स्पर्श व्यंजन आपके होते कौन कौन से, देखिए इसी के साथ साथ पहले आप समझ लीजिएगा कि हिंदी में हमने आपको बताया था, जो पढ़े होंगे जो रेगुलरिटी बना करके आ रहे हैं कंटिन्यू, उनको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि इतना है एक चीज के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा क्लास अगर एक दिन गए किसी को जाता है तो फिर अगला वाला समझ नहीं आता, या वो पढ़ा रहेगा तभी समझ पाएगा। ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था कि जो हिंदी है, हिंदी में जो है आपको होता क्या है, 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होता है, 5 वर्ग होता है, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होता है। कल्पना हुआ? तो ये आपके 5 वर्ग हैं कौन कौन से, तो हमारा कौन सा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। देख रहे नहीं, इसमें से इसके 5-5 अक्षर कौन से होंगे, हर का इसका होगा क ख ग ग और कितना है आपका अंग। तो ये 5 हर में ऐसे सबके साथ होगा। अब कभी कभी ऐसे पूछ देता सीधा दे देगा कि हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, बी एल डू वर्ग परीक्षा होता है, बी टी सी वर्ग,
तो आप पूछ देगा कि हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, तो हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 वर्ग, 30 लिए 5 गुणे 5 करेंगे 5×5=25, यही 25 जो है कौन से आपके स्पर्श व्यंजन है। कन्फर्म हुआ? अब स्पर्श व्यंजन अगर इसको यहाँ से दिखाएं तो आपका सबसे पहला आपका कौन सा रहा, क वर्ग, कौन सा रहा क वर्ग, तो क वर्ग के 5 अक्षर, क वर्ग के 5 अक्षर कौन कौन से, क, ख, ग, घ और क्या रहा आपका अंग, ये कैसे रहे क वर्ग के 5 अक्षर। कन्फर्म हुआ? फिर दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग आपका क्या है, च वर्ग, च वर्ग में आपका च, छ, ज, झ और क्या है आपका ञ। फिर आपका है ट वर्ग, ट वर्ग में आपका कौन सा, ट, ठ, ड, ढ और ड। इसके बाद हमारा है त वर्ग, त वर्ग में आप क्या है, त, थ, द, ध और क्या है न। इसके बाद आपका प वर्ग, प वर्ग में है प, फ, ब, भ और कितना भैया म। ये हमारे ये 25 अक्षर है, देख रहे हैं नहीं, यही 25 अक्षर हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। आपको बहकाने के लिए दे भी सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है, कितना है 25 है। कन्फर्म हुआ? तो हमारा जो क वर्ग है, ध्यान रखिए, अब इसमें एक दूसरा प्रश्न बनता है, कैसे पूछेंगे, पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का क्या आशय होता है, उच्चारण स्थान का आशय होता है कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, किस तरीके से कैसी सहायता लेनी पड़ती है। तो कुछ वर्ण होते हैं जिनकी उच्चारण करने पर उनकी आवाज कंठ से निकलती है सीधा सीधा, इसलिए वो ध्वनियां कैसे कहलाते हैं, कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। कुछ के उच्चारण में जिह्वा ताल को छू देती है, इसलिए ऐसी ध्वनियों को तालब भी कहा जाता है। कुछ ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में होठ कार्य करता है, इसलिए उन्हें होष्ठ ओष्ठ भी कहा जाता है, या होठ या ओष्ठ कहा जाता है। कन्फर्म हुआ? कुछ होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा दंत को छू देती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, दंत, दंत या दंत कहा जाता, दंतोष्ठ नहीं कहा जाता, दंत कहा जाता, दंतोष्ठ कहेंगे दांत और ओष्ठ मिश्रण हो जाता है, इसलिए दंत कहलाते हैं। कन्फर्म हुआ? तो आप इसमें पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान, एक नया आपका यहाँ पे हेडिंग बन जाएगा, स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब हमने बताया कौन सा वर्ड कहाँ कहाँ से उच्चारित होता है। कन्फर्म हुआ? तो आप ध्यान रखिएगा परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके प्रैक्टिकल कर लिया करिए, प्रैक्टिकल एक बार कर लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। लिखिए मत भाई, लिखेंगे तब जहाँ लिखना होगा बता दिया करिए, हम इसको लिखवा देंगे आप लोग को पॉइंट पॉइंट, जब बताएं तो बोर्ड पर समझिए, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर आएंगे पढ़ने के लिए, यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहीं कहीं मिलेंगे, तो इसे आप ध्यान रखिए। तो ये है, तो हमने बताया कि जो क वर्ग है आपका, पूरा क वर्ग, सीधा सीधा कह दे पूरा क वर्ग ही क्या है आपका, कंठ है। कन्फर्म हुआ? देखिए क, ख, ग, घ, इसलिए बहुत जरूरी है, ये शिक्षक बनेंगे, शिक्षक बनने के लिए इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है, समझ रहे हैं नहीं, नहीं तो वही होगा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आपका गलत करेंगे, उच्चारण गलत होगा ना, जैसे आप शब्द है जनरेटर ना, जनरेटर शब्द है, लेकिन अब हम लोगों को पता नहीं जगलेटर जगलेटर चिल्लाते हैं, जगलेटर चल रहा है, जगलेटर चल रहा है ना, क्यों ऐसा करते हैं, पता ही नहीं है। शब्द है लालटेन, हम लोग लालटेन हमेशा कहते हैं, तो कैसे होगा, अच्छा जब उच्चारण होगा, अच्छे से जानकारी होगी, तब अच्छी चीज आप बोल पाएंगे, समझ रहे हैं नहीं, तो यह ध्यान रखिएगा। तो ये इनका उच्चारण किया जाता है, देखिए कहते हैं क, ख, आवाज कहां से निकलती है, कंठ से निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कंठ, कंठ कहा जाता है, या कंठ है भी लिखा जाता है। कल्पना हुआ? कंठ या कंठ है, कंठ ध्वनियां है ये पूरा का वर्ग। अब ऐसे कैसे प्रश्न इसमें पूछेगा, पूछेगा बताइए ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है, कंठ है। पूछेगा ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। घ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अंग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कन्फर्म हुआ सबको, हो गया, अंग का उच्चारण स्थान क्या है, कन्फर्म हुआ। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा जितना पूरा आपका क वर्ग है, पूरा वर्ग क्या है आपके, कंठ है, ध्वनिया है, कंठ है। कन्फर्म हुआ? आगे ध्यान देखिए, अब देखिए च, छ, ज, झ, ठीक है, जब च, छ, ज, झ का उच्चारण करते हैं, च, छ, ज, झ, जीवा देखिए किसको जा के छू रही है, ताल को छू दे रही है, ऊपर ताल है, ताल का स्पर्श कर दे रही है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ताल, क्या कहा जाता है भैया, ताल या तालव्य। कन्फर्म हुआ? क
कभी कभी इस दोनों चीज किस लिए लिख रहे हैं ना, कभी ये भड़का के दे देता है, कभी ये दे देता है, कभी ये देता है, कभी ये देता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़के बैठ रहे हैं तो उनको तो इस तरीके से देना होगा, कहेंगे वही बात को ऐसे तरीके से कहेंगे ताकि गड़बड़ हो जाएगी। आप समझना ये कुछ जिसको रटे हैं पता चला तो रटिए मत, इन सब चीजों को ध्यान रखिए। दूसरा देखिए आम हमारा है टावर, टावर तो टावर क्या होता है, टावर होता है कि इसके उच्चारण देखिए जीव हमारी से मुड़ जाती है, करते हैं जीव हमारी कैसे होती है मुड़ जाती, फोल्ड हो जाती, थोड़ा सा मुड़ जाती है, झुकाव हो जाता है जीवा में, तो झुकाव होने के कारण ही हम इसको क्या नाम देते हैं, मूर्धा का नाम देते हैं। मूर्धा का अर्थ ही जो होता है वह क्या होता है, मुड़ना, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा क्या होती मुड़ जाती है वही क्या कहते हैं, मूर्धा। तो ये हमारे पूरा टावर हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, मूर्धा कहलाता है। कल्पन हुआ मूर्धा का आशय क्या होता है, मुड़ना या मुड़ जाना। कल्पन हुआ दूसरा देखिएगा तय का, तय का उच्चारण स्थान, तो तय का उच्चारण कर स्थान करेंगे तो देखिए त थ द ध, जीव हमारी आगे किसको छूती है, दांत को छूती है, त थ द ध करते हैं ना, जीवा हमारी दांत को छूती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दंत। कल्पन हुआ आगे देखिएगा प वर्ग, प वर्ग क्या है, प प ब भ, देखिए जब प फ ब भ का उच्चारण करते हैं ना, तो प फ ब भ उच्चारण करते हैं तो वो क्या कार्य करता है, ओठ कार्य करता है, ओठ कार्य करता है, तो ओठ कार्य करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, ओष्ठ कहते हैं। कल्पन हुआ ये रहा आपका उच्चारण स्थान। अब परीक्षा में देखिए कैसे आपको पूछेगा, सब में से गला मिला करके दे देगा, एक तो उसमें द दे देगा, नीचे लिखेगा क्वेश्चन में कि द का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन दे देगा इस तरीके से, तो द का उच्चारण स्थान कितना है, दंत है। कन्फर्म हुआ, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा कैसे सीधा सीधा को आपको क दे दिया है, तो आप समझिए पूरा क वर्ग ही हमारा क्या है, कंठ है, पूरा च वर्ग ही हमारा क्या है, तालु है, पूरा ट वर्ग ही हमारा क्या है, मुर्दा है, पूरा त वर्ग ही हमारा क्या है, दंत है, पूरा प वर्ग ही हमारा क्या है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, सबका कंफर्म है। चलो आगे देखिएगा आपका क्या है, मिटाए इसको, मिटा दे इसको, चलो दूसरा देखिएगा, दूसरा हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन, क्या है, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन है भैया, पहले तो आप समझिएगा अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, स्वर के और व्यंजन के मध्य होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण कैसे होता है भैया, इनका उच्चारण होता है स्वर और व्यंजन के मध्य, कैसे होता है, स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, स्वर और व्यंजन के मध्य होने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। कन्फर्म हुआ, हमने बताया कि इनकी संख्या कितना है, चार है, ध्यान रखिएगा इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर अर्थात आधा स्वर भी कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि यह को क्या कहा जाता है, तो कि चार्ट दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा, जैसे दे दिया यह दे दिया, इसके बाद आपको ट दे दिया, क दे दिया, झ दे दिया, पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा अर्ध स्वर है, कौन सा अर्ध स्वर है आपका, यह, तब इसके में अर्ध स्वर के लिए आपका कौन बताया, कौन सा, यह र ल और कौन सा है, व, तो यह र ल व ये सभी क्या है आपके, अर्ध स्वर है। कन्फर्म हुआ, अर्ध स्वर हमने बताया कि अर्ध स्वर इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि ये आधे स्वर होते हैं और आधे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, कहने का आशय है इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारण होने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। और इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या कितना है, चार है। कन्फर्म हुआ, कन्फर्म हुई है सबका, कन्फर्म हुआ इधर पीछे, चलिए अब देखिए इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान इनका देखिएगा, हाँ कहीं कहीं किताब में ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे यह और वह को दिया है,
देख रहे हैं नहीं, लेकिन चारों अर्धस्वर आते हैं, चारों अर्धस्वर की श्रेणी में रखे जाते हैं, समझ रहे हैं नहीं? क्यों? क्योंकि ये सब हिंदी के शब्द हैं, संस्कृत के, और संस्कृत इन चारों को अर्धस्वर की श्रेणी में रखता है। जैसे आप लूसेंट का किताब पढ़ेंगे तो सिर्फ उसको यह और वह को माना है, अगर आप ईश्वरचंद विद्यासागर का एनसीईआरटी आधारित पढ़ेंगे तो सबको कहा गया है ये सब कैसे हैं, अर्धस्वर के श्रेणी में रखा जाता है। ये सारे व्यंजन कैसे हैं? ये अर्धस्वरी व्यंजन है। कन्फर्म हुआ सर? अर्धस्वर किसके किस किस शब्द से मिलकर बना है? क्या चीज किससे मिलकर बना है ये? अब ये तो अब किसी किताब में नहीं मिला है कि ये किस किन से मिलकर के बने हैं, लेकिन इन्हें अर्धस्वर की श्रेणी में जो है रखा जाता है। कन्फर्म हुआ? अब देखिए ये आपको उच्चारण स्थान, तो यह का उच्चारण स्थान जो होता है, क्या बात है? हाँ, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर यह बात हम तो ये भी तो बिल्कुल बता दिए ना, किताब में देखेंगे तो यह और वही को ही क्या दिया गया है, अर्धस्वर दिया गया है, तो ये भी बता दिए। अब जिस जिस किताब में क्या सारी किताब भी नाम बता दें, सभी किताब नाम बता दें किस किस किताब में दिया है, तो कस किताब में दिया है, सब सबको किस किताब में माना है, क्योंकि देखिए ये साइंस तो है नहीं, साइंस तो ये है नहीं। अभी हम साइंस पढ़ाते होते हैं, अगर आप कहते हैं कि H2O ये पानी का सूत्र है तो हम कहते हैं कि हाँ, आप कहते हैं नहीं है तो हम कहते हैं हाँ है, बहुत ज़्यादा शरारत करते तो हम आपको प्रैक्टिकल लिया चल करा देते, दो और हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन को लेकर क्रिया करा के दिखा देते, समझ रहे हैं नहीं? इसको आप सिर्फ मानिए, ऐसा जो विशेषज्ञ लोग लिख दिए हैं उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। कन्फर्म हुआ? तो आप ध्यान रखिएगा कि यह हुआ भी है और ये भी अर्धस्वर की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्यों? क्यों इस, क्योंकि इसी परिभाषा से देखिए, क्योंकि इनका उच्चारण अर्ध स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। कन्फर्म हुआ? अब देखिए तो इनका उच्चारण स्थान अगर देखा जाए, इनका उच्चारण स्थान, इन सब स्वर अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान देखा जाए, देखिए यह का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये हमेशा पूछता है, हर बार परीक्षा में रहता है, यह का उच्चारण स्थान जब यह करेंगे जीवा हमारी जाकर ताल को छू देती है, इसलिए यह क्या कहलाता है, ताल कहलाता है। प्रैक्टिकल करेंगे, करिए, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसे ही मत करिए, उसके थोड़ा पीछे से लेकर के करिए, चार छह वर्ड और पीछे से लेकर के करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि यह कैसा है, ताल हुआ है। कन्फर्म हुआ? हुआ का उच्चारण स्थान करेंगे, तुवा का करेंगे, तुवा करने के बाद देखिए ओठ भी कार्य करता है और आवाज कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है, तो कहने का मतलब यहाँ हमारा आपके क्या रहा, कंठ और प्लस क्या रहा, ओष्ठ। अगर इन दोनों को मिला देंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। कन्फर्म हुआ? तो यहाँ हमारा कंठ और प्लस ओष्ठ दोनों को मिला देंगे ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंठ ओष्ठ ध्वनिया। कन्फर्म हुआ? ये हमारा हमेशा पूछता है, ये ताल और ये हमारा क्या होता है, कंठ या ओष्ठ। कन्फर्म हुआ? देखिए र और ल को इन्हें क्या कहा जाता है भैया, लुंठित कहा जाता है, लुंठित या दंत मूल भी कहा जाता है। कन्फर्म हुआ? यही अगर संस्कृत में देखेंगे सीधे इन्हें क्या कह देते हैं, मूर्धा कह देते हैं। कन्फर्म हुआ? और ये पार्स ल को जो है पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। कन्फर्म हुआ सबका? तो यह का जो है तालु है, इसका है लुंठित या दंतमूल है, वह का है दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ। कन्फर्म हुआ? कंठोष्ठ, कंठ और प्लस ओष्ठ, इसलिए नहीं क्या कहा जाता है, कंठोष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है। इधर से देखिएगा आप कहता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म क्या आशय होता है, ऊष्मा का ऊष्म क्या मतलब होता है, गर्मी, गर्मी का आशय होता है, उष्मा का मतलब होता है, उष्मा का मतलब होता है गर्मी। इनके उच्चारण जब हम करते हैं उसमें या संघर्षी व्यंजन का उच्चारण जब करते हैं तो इसमें होता क्या है, मुख से वायु, गर्म वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है, घर्षण या रगड़ खाके के गर्म वायु निकलती है और गर्मी का एहसास कराती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे आप एक निजी दूरी पर हाथ लगा लीजिए अपने हाथ पे, प्लेट के लिए करिए, हम कहेंगे स ख स ह स ख स ह करेंगे तो मुख से गर्म वायु निकलती है और ऐसा किसी वर्ण के साथ नहीं होता है। जोर से बोलिए, ऐसे बोल रहे हैं कि उसमें हवा ही नहीं निकलना है मुख से। जब हम आप करेंगे स ख स ह तो मुख से जो है वायु कैसी निकलती है, गर्म वायु निकलती है,
करिए करिए प्रैक्टिकल, टीचर बनेंगे तो करना पड़ेगा ऐसे बच्चों को। हाँ अरे शुरुआत से पढ़िए, केवल गवई के करेंगे, उसके आगे से लेकर के करिए। जब सखा सखा करते हैं तभी हमारा क्या कहलाता है, ये हमारे कौन कौन से आपके स ख स और हमारा क्या है ह। हाँ तो इनके उच्चारण जो सखा सह का उच्चारण पहली बात उसमें यह संघर्षी व्यंजन कहा जाएगा, किसे किसे कहेंगे तो उसमें यह संघर्षी व्यंजन। तो हमने बताया एक ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से वायु घर्षण या रगड़ खा करके बाहर आती है, गर्मी का एहसास कराती है, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, उसमें या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कन्फर्म हुआ, उसमें या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब देखिए एक ही संख्या जो है कितनी है, चार है, और ये भी अब अति इम्पॉर्टेंट है, जो उच्चारण स्थान हिंदी का है वही उच्चारण स्थान संस्कृत में भी है, सेम है, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा कि ये हर बार पूछा जाता है, सबका उच्चारण स्थान हर बार पूछा जाता है कि तीन देखिए, तीन तो ऑलरेडी सही दिखाई दे रहा है और एक को आपको क्या दिखाई दे रहा है, ह दिखाई दे रहा है। तो ये हमेशा पूछा जाएगा कि आप बताइए इन सबका उच्चारण स्थान क्या क्या है। जो बड़ा वाला स है इसका उच्चारण स्थान क्या है भैया, तालु है, कन्फर्म हुआ। देखिए जो ये खड़खोड़ वाला स या क है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, क्या होता है, मूर्धा होता है। और जो स है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, दंत होता है, हाँ आपको बच्चे पता है दंत है। और ह का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है आपका, कन्फर्म हुआ, कन्फर्म भैया। ये आपका रहा, इनको तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न जो है हर बार पूछा जाता है, एक आपका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कन्फर्म हुआ। और संस्कृत में अगर सब एक साथ कर याद कर ले तो कहेंगे अपूह विसर्ग नियन कंठ, ऐसे आप संस्कृत से याद कर सकते हैं, तो एक सबको एक साथ मिल जाएगा आपको, लेकिन उसको जानकारी सबको होना चाहिए, पू वर्ग चू वर्ग टू वर्ग टू वर्ग पू वर्ग, हाँ उसका सूत्र है उसी से याद होता है। हाँ तो कू वर्ग चू वर्ग टू वर्ग टू वर्ग पू वर्ग का रिवाज जो ही यही बता जो कू वर्ग चू वर्ग यही क वर्ग है, चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग है पा वर्ग है, यही संस्कृत में हम पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, कू वर्ग चू वर्ग टू वर्ग टू वर्ग और पू वर्ग, कन्फर्म हुआ। तो इस प्रकार से ये रहा आपका उसमें या संघर्ष, कन्फर्म हो भैया। इसके साथ साथ ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ ध्यान दीजिए, इनको एक इसके श्रेणी में तो नहीं रखा जाता, लेकिन इनको अलग श्रेणी में एक रखा जाता है, ध्यान रखिए, जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन। हाँ सर बताइए, हाँ लुआ ल केवल ल पार्श्विक है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है रवा के जो लुंठित या दंतमूल, हाँ नहीं ल पार्श्विक है आपका, ल पार्श्विक कहा जाता है और अलग लुंठित या दंतमूल की श्रेणी में रखा जाता है, इनका लुढ़कते हुए इनका उच्चारण होता है। हाँ तो बता तो रहे हैं लुंठित या दंतमूल, ल को केवल ल सिर्फ पार्श्विक है आपका, देखिएगा। इसके बाद आपका एक और है जो इनके प्रकार में तो नहीं रखा जाता लेकिन उनके एक अलग श्रेणी में रखा जाता है, जिन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का क्या आशय होता है, संयुक्त का आशय होता है मिला हुआ ना, संयुक्त रूप से संयुक्त के रूप से का आशय होता है मिला हुआ। तो अगर हम संयुक्त व्यंजन कह दें तो आप समझ जाएंगे दो व्यंजनों का क्या होगा, मिश्रण होगा, दो व्यंजन मिले होंगे ना। तो इसको अगर हम परिभाषित करें कहेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो एक दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से जो एक नया सब जो नया एक अक्षर होगा वही क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। कन्फर्म हुआ, संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या जो है इस समय वर्तमान में कितनी है, चार है, कन्फर्म हुआ कितनी है, चार है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या चार है, तो ये कौन कौन से आपके और श्रीमान जी का सर, कन्फर्म हुआ। देखिए एक विद्या वाला द भी था, देख रहे हैं नहीं, लेकिन अब ये हटा दिया गया है, विद्या वाला द है ये हटा दिया, इसे अमानक श्रेणी में अब रख दिया गया, समझ रहे हैं नहीं,
कि इसे हटा दिया गया, तब इनकी संख्या सिर्फ कितनी है, चार है। कंफर्म हुआ। आप देखिए ये किन दो दो व्यंजनों से मिलकर के संयुक्त है, तो भले मिलकर के बने होंगे भाई, संयुक्त है तो व्यंजनों से मिलकर के बना होगा, तो मिलकर के बने तो ये आपका आधा क और खटपुड़ वाले स से मिलकर के या खटपुड़ वाले ख से मिलकर के। पहले थोड़ा सा यहाँ आप देखिएगा ये इसका उच्चारण स्थान, देखिए ये है, यह एक कभी कभी स का उच्चारण करता है और यह कभी कभी किसका उच्चारण करता है, ख का उच्चारण करता है। देख रहे नहीं, ये कभी कभी स बोल देता है, कभी कभी क्या बोल देता है, ख बोल देता है। जब इसका प्रारंभ होता है, जब ये कहीं के प्रारंभ में होता है तो प्रारंभ होता है कि उच्चारण क्या करता है, ख का उच्चारण करता है ना। जैसे हम देख लीजिए यहाँ पे खट भुज, क्या लिख दिए हैं, हेलो हेलो हाँ, अभी क्लास में बात बात कर रहे हैं, कल पर हुआ ध्यान रखिए। तो जैसे अब इसे पढ़ेंगे तो षटभुज नहीं कहा जाएगा ना, क्यों, क्योंकि यह कहाँ आया है, पहले आया है, पहले आने के कारण ही इसको क्या क्या नाम दिया जाएगा, ख का उच्चारण करेगा, इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार आता रहेगा। देखिए यहाँ पे आया तो आप इसे जानते रहिएगा, नहीं षटभुज षटभुज कहेंगे तो अगर उच्चारण गलत हो जाएगा, समझ रहे नहीं। तो ये अगर प्रारंभ में आता है ये उच्चारण क्या देता है आपका, ख का उच्चारण देता है, कंफर्म हो गया। लेकिन प्रारंभ में ना हो, अंत में हो, अंत में हो या चाहे जहां हो, चाहे बीच में हो, चाहे दूसरे स्थान पर जाए, चाहे तीसरे स्थान, चाहे जहां से आ जाए, वो क्या कहलाएगा, श का उच्चारण। जैसे हम कहते वर्षा, देख रहे नहीं, वर्षा करें, अब ये कैसा उच्चारण दे रहा है, स का उच्चारण दे रहा है, कर पर मुगा। तो इस चीज को अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर प्रारंभ से स्टार्ट होगा तो उच्चारण कैसा देता है, ख का, और अगर बाद में आता है दूसरे तीसरे चौथे अंत में आता है तो किस तरीके का उच्चारण देता है आपका, क्या देता है, स का उच्चारण देता है। तो अब ध्यान रखिए ये छतरी वाला जो छह है ये किन दो से मिलकर के बना है, आधा क और धनपोड़ वाले ख से मिलकर के बना हुआ है, कन्फर्म हुआ। आगे देखिएगा जो त्रिशूल वाला है यह आधा त और धन र से मिलकर के बना हुआ है, जो ज्ञानी वाला ज्ञा है यह आधा ज और धन ये से मिलकर, तुम किताब से पढ़ रही हो क्या, अच्छा। बड़ा वाला स है ये क्या है, बड़ा वाला स और धन क्या है, र से मिलकर के बना, पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं किताब से देख रही हो तो क्या मतलब है, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, कॉपी से, कॉपी का मतलब कि लिखी हो उसमें, इसमें कुछ लोग पढ़े हैं, दो दो बार पढ़े हैं, दो दो तीन तीन बार, तो अच्छी बात है, बट पढ़ रहे हैं लेकिन तब भी तो नहीं होता है, तब भी तो नहीं होता है, नहीं हमारा कहने का आशय ये है कि इसको बुक में जो घर पे अच्छे से पलट कर देखिएगा, हमारा कहने का आशय ये है, हमारा कहने का आशय कुछ दूसरा नहीं है, हमारा कहने का आशय ये है जो कुछ खोज यहाँ पढ़ लीजिए, जो कुछ खोजना हो आप घर पे खोजिए, अच्छे से खोजिए, चार से दस किताबों का पेपर में। चलिए देखिए, तो हमने बताया छतरी वाला जो छह होता है आधा कह धन खटपुड़ा वाले ख से मिलकर के, आधा तय धन र से मिलकर के तरह बना है, आधा ज और धन ये से मिलकर क्या बना है, ज्ञानी वाला ज्ञान, बड़का वाला स लेकिन आधा और से मिलकर क्या बना है, श्रीमान जी का सर। लेकिन इसके साथ ही देखिएगा, अभी इसको और विस्तारित कर दे, देखिए आधा क्या है, देख रहे नहीं, अब इसको भी कर देंगे तो आधा स, अब इसके अट निकाल दीजिए तो क्या हो गया, तो आपको इस तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है ना, ये है आपका आधा तय और धन क्या है र, लिखो मत जी, पहले बोर्ड पर देखो, लिखने के चक्कर में पड़े रहते हैं ज्यादा, समझेंगे तो तब आएगा कि लिखने से, लिखना हो तो हम नोट्स आपको दे दें, उतार लीजिए सब, बताओ फीस सब लोग पेमेंट कर दीजिए, पास सारा फीस पेमेंट कर दिए, आप नोट्स उपलब्ध करा दें, एक क्लास आप लेस हो जाएगा, बताओ अगर चाहते हैं आप लिखना चाहते हैं तो हम आपको नोट्स उपलब्ध करा दें, उतार लीजिए सब, कह रहे हैं पहले इसको समझ लीजिए तब लिखिए इसको, नहीं तो फिर वही होगा, आठ बार पढ़ेंगे तब एक चीज़ है, इस बार पढ़ेंगे फिर अगले बार फिर टेट आएगा फिर पढ़ेंगे, फिर आएगा फिर पढ़ेंगे, नहीं तो एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो आपका समय बचेगा,
इस ये जो समय यहाँ बचेगा उस पर आप मैथ पे लगाएंगे, फोकस करेंगे, इंग्लिश पे फोकस करेंगे, जो चीज़ आपको कमजोर है। जब यहाँ लिखना होगा बता दिया करिए, रुक जाया करेंगे ना, इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा जय और हो जाएगा ना, नहीं होगा। हाँ ठीक, इसमें इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला सा आधा है, फिर इसलिए भी आधा हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा आपका कन्फर्म हुआ। लेकिन साथ साथ इसके देखिएगा, इसके साथ साथ एक और इतिहास है थोड़ा सा, इसके इतिहास में थोड़ा क्या है, जैसे देखिए जब हम अब शब्दकोश में थोड़ा सा ध्यान रखें, शब्दकोश जब शब्दकोश में हम आपको देखें, जब शब्दकोश देखेंगे, जब अंग्रेजी का शब्दकोश देखते हैं, जब ए से सारा वर्ड समाप्त हो जाता है तब क्या चलता है, क्या चलता है, बी, पता ही नहीं है आपको, आ रहा है ए वाला समाप्त हो जाता है तो क्या आता है, बी वाला चलता है, यही तो होता है, जब ए का शब्द को सब ए से सारे अक्षर समाप्त हो जाते हैं तो क्या चलता है, बी चलता है, जब बी वाला समाप्त हो जाता है तो क्या चलता है, सी, सी वाला समाप्त होता है तो डी, डी वाला समाप्त होता है तो ऐसे चलता है ना। लेकिन इसमें हिंदी शब्दकोश में ऐसे नहीं चलता है, ध्यान रखिए, इसमें हिंदी शब्दकोश में ऐसे नहीं चलता है। तब हिंदी शब्दकोश में कैसे चलता रही है, पहले देखिए क है ना, क है, क के बाद ख नहीं आता है, ख नहीं आता है, क के बाद फिर हमेशा क्या आता है आपका, छतरी वाला छ, नहीं समझ रहे हैं, अगर इससे कोई शब्दकोश आपको खोजना होगा तो वो कहाँ मिलेगा, क के बाद वाले मिलेगा, नहीं समझ रहे हैं, डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, हाँ डिक्शनरी की हम बात कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में कि क के बाद आपका कौन सा आएगा शब्दकोश में, क के बाद कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, छतरी वाला छ आएगा, नहीं समझ रहे हैं आप लोग, किसको नहीं समझ रहे हैं, किसको नहीं आ रहा है आप लोगों को, पी बगल सब शांत बैठी है तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। इसमें इसी तरीके से इसमें होगा कि आदिता वाला समाप्त हो जाएगा, ता वाला समाप्त हो जाएगा तो क्या आएगा, त्र वाला आएगा, त्र वाला समाप्त होगा तो क्या आएगा, त्र वाला आ जाएगा, और इसी के साथ और क्या होगा, जब ज वाला समाप्त हो जाएगा तो क्या आएगा, ज्ञा होगा, और इसी वाले से जब स वाला समाप्त हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, नहीं समझ रहे हैं, कन्फर्म हुआ, इस तरीके से होगा, जब कभी कभी दे देता है आपको ना, जैसे दे देता है कभी, देखिए बहुत सारे कहेगा कृषक है चार ठो दे देगा, जैसे दे देगा कृपण है ऐसे दे देगा, आप दे देगा है आपका क्षत्रिय है, कहेगा शब्दकोश में सबको सेटिंग करिए, कौन सबसे पहले आएगा शब्दकोश में, कौन दूसरे नंबर स्थान पाएगा, कौन सा तीसरे स्थान पे, कौन सा चौथे स्थान पे, इस तरीके से जब आता है, देखे हैं नहीं, जब इस तरीके से आता है तब ये बहुत अच्छे काम करेंगे, समझ रहे नहीं, तो आप कह के बाद खा वाले लेंगे तो गलत हो जाएगा तुरंत, क्योंकि ऐसे ही देंगे वो, इस तरीके से देते हैं ताकि गड़बड़ हो जाए, कन्फर्म हुआ, तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए तब आगे बताते हैं।